BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। खबर हमारी। जंगल ले गए दो लड़के और रेप किया, पीड़िता की आप बीती। उन्नाव जिले में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है, इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना जिले की सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। मामला प्रकाश में आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 14 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे गांव में ही जेठानी की बेटी की बारात आई थी। पूरा परिवार बारात में व्यस्त था। जयमाला के बाद घर पहुंचने पर देखा कि बेटी वहां नहीं है। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। घर पहुंची नाबालिग किशोरी ने बताया, मैं दुकान से कुछ सामान लेने गई थी, तभी दो लड़कों ने पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गए। चिल्लाने पर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दोनों ने रेप किया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही एक युवक की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरे को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में चर्चा है कि किशोरी और आरोपी की पहले से नजदीकियां थीं।